मतलब क्या अच्छा इस लगा? अच्छा ये मुझे अभी जानना है कि अभिषेक और मीरा, अभी हैशटैग अभीजादी, खानजादी जब ट्विटर स्पेस में लाइव आई थी तो उन्होंने अपने फैन से एक सवाल पूछा कि हैशटैग अभीजादी में ऐसा क्या उनको स्पेशल लगा जो उसको उन लोग ट्रेंड कराने लगे। जहां उन्होंने ये भी बोला कि उन लोग ने ना एक दूसरे को प्रपोज किया, ना अभिषेक कुमार ने खानजादी को प्रपोज किया, ना खानजादी ने अभिषेक कुमार को प्रपोज किया बिग बॉस के शो में, और ना ही दोनों जन ने एक दूसरे को कुछ आई लव यू आई लव यू कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसा क्या स्पेशल लगा? जहाँ उनका फैन एक्सप्लेन करते हुए दिखता है कि उनके जो क्यूट मूवमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मूवी जैसे सीन जैसे लग रहे थे। जहाँ उन्होंने ये भी बताया कि जो मेकर्स पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो फेक है, पर ऑडियंस इतनी कनेक्ट हो पाई है क्योंकि कुछ तो उसमें अच्छा था, प्योर था, जेन्युइन था, ऐसा बोलते हुए दिखते हैं। जहाँ वो ये भी बोलते हुए दिखते हैं कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वेट कर रही है कि अभिषेक कुमार जब बाहर आए तो खानजादी और अभिषेक कुमार का एक साथ कोई प्रोजेक्ट आए, जिसके लिए आप छोटी सी क्लिप देख लो। मतलब क्या अच्छा लगा? अच्छा ये मुझे अभी जानना है कि अभिषेक और मीरा, अभी हैशटैग अभीजादी, ये आप लोगों को क्या अच्छा लगा? क्योंकि देखो ना अभिषेक ने मुझे प्रपोज किया था, ना मैंने किया था, ना हमने लव यू बोला, हम तो मैम मेरा नखरा वो जो नोक झोक थी आप लोगों की वो, और आप लोगों के स्वीट मोमेंट्स, मतलब केमिस्ट्री तो आई होप आप मेरी एडिट देखती होंगी, मैं तो आपको हर चीज में टैग करता हूँ, एक्स अभिजादी से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, मैं तो आप वो एडिट्स देखें, लगता ही नहीं कि ये रियलिटी शो है, लगता था कि कोई फिल्म या मूवी के सीन्स हमने लेके वो एक एडिट बना दिया कि ये कोई फिक्शन कैरेक्टर। यस 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 इट वाज लाइक दैट। सो केमिस्ट्री, आई होप, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी तो प्लीड है आपसे कि व्हेन ही कम्स आउट आप लोग कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करें साथ में, बिकॉज फैंस वॉन्ट टू सी यू गाइज टूगेदर, मतलब एक प्रोजेक्ट में It will be insane, जो chemistry, definitely, मैंने भी देखा है वो edit जो आपने बनाया, we are looking good together. And ma'am, मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग makers ने भी कोशिश की to portray it, और कुछ लोगों ने कहा fake है, लेकिन इतनी audience को आप लोग पसंद थे दोनों, तो कुछ तो genuine, मतलब वो genuine bond था तभी ऑडियंस से कनेक्ट किया उसके साथ, वरना एक फेक चीज के साथ कोई इतना कनेक्ट नहीं करते। और आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी ship जितने भी पहले लोग आए हैं बिग बॉस में इतना किसी ने पागलों की तरह उनको शिप नहीं किया जैसे हम करते।